नमस्कार हफ्ते की बात उर्मिलेश के साथ नामक इस शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम कर्नाटका में जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं जो कॉन्फिडेंस मोशन पास आया था असेंबली में यद्यूरप्पा जी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए हैं उन्हें रिजाइन करना पड़ा है इस पर बात करने के लिए उर्मिलेश हमारे साथ फिर से मौजूद हैं उर्मिलेश शुरू करते हैं कि जितना कॉन्फिडेंस दिख रहा था टीवी स्टूडियो में कि हमारे पास अमित शाह है और हम मेजॉरिटी प्रूव कर पाएंगे पिछले तीन दिनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट के कई चक्कर लगाए गए सुप्रीम कोर्ट ने पंद्रह दिन की जगह एक दिन का समय दिया आखिरकार येद्यूरपा को रिज़ाइन करना पड़ा आखिर ये पूरा जो पूरा इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए कि हुआ क्या है देखिए इसमें दो तीन बातें हैं जो घटनाक्रम हैं वो लोगों के सामने आ चुके हैं लेकिन इन घटनाक्रमों की जो परतें हैं और उसके अंदर जो छुपे हुए अर्थ हैं उनको सामने लाना बहुत ज़रूरी है जो मेरी समझ काम करती है वो ये है कि बहुत सारे लोग इस बात से खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महान काम किया इंटरवीन किया ठीक है हम भी पसंद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया करना चाहिए था आ, लेकिन पहले ही मैं ये बात अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा कि अगर भारत के जनतंत्र में इतने वर्षों की यात्रा के बाद जनतंत्र की अगर हमको इस तरह के छोटे छोटे इश्यूज़ पर चाहे चाहे वो जितने कॉम्प्लेक्स हों अगर राजनीतिक नेतृत्व को इस देश के अगर अगर हमारी विधायिका को अगर पार्लियामेंट्री पूरी पॉलिटिक्स को कोर्ट के दरवाजे बार बार जाना पड़ रहा है कि आप बताइए कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाएं या कन्फिडेंस मोशन कब लाएं हम कब वोटिंग कराएं हम पहले कराएं कि बाद में कराएं हम विजुअल उसका उसका टेलीकास्ट करें कि नहीं करें मीन I mean, इस तरह के इश्यूज पर अगर हमें कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ रहा है इसका मतलब कि हमने अपने जनतंत्र को मजबूत नहीं किया है हमें जनतंत्र जिस तरह का मिला था संविधान सौंपे जाने के बाद से हमने उसको और कमज़ोर किया है पहले जब हम लोग जर्नलिज्म में आए थे मैंने अनेक स्पीकर्स देखे हैं अनेक पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर्स देखे हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि कोर्ट उनके मामलों में दखल दे जिस तरह कोर्ट्स नहीं चाहती हैं कि विधायिका या संसद उनके मामलों में दखल दे।, दे मैंने ये भी देखा है कि कई बार जो हमारे यशस्वी कई बेहतरीन किस्म के स्पीकर्स रहे हैं वो इस तरह के फैसले करते थे कि कभी कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता है अनेक ऐसे लोग हैं रवि रे हैं सोमनाथ चटर्जी हैं इसके पहले भी बहुत सारे लोग रहे हैं कांग्रेस रिजिम में बहुत सारे लोग रहे हैं तो मुझे लगता है कि इन चार वर्षों में पाँच वर्ष जो चार साढ़े चार या इसके पहले भी कांग्रेस रिजिम में भी कई स्टेट्स में हमने देखा कि न्यायालय में हर चीज़ के लिए विधायिका के नुमाइंदे गए और वहाँ से लोगों को राहत मिली दूसरी बात कि जिस तरह से येद्यूरपा जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का फैसला किया गवर्नर साहब ने और उनको आमंत्रित किया जबकि अप्रोच कर चुका था जेडीएस कांग्रेस एलायंस भी सबको मालूम था कि बहुमत येदुरप्पा साहब के पास नहीं है गवर्नर साहब को भी मालूम था लेकिन गवर्नर साहब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं मंत्री रहे हैं स्पीकर भी रहे हैं और मोदी जी के बहुत नज़दीकी हैं तो मोदी जी और अमित शाह जी जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन वाराणसी में एक बहुत ही भयानक घटना घटी थी जब कई लोग मारे गए थे लेकिन इसके बावजूद एक विजयोल्लास भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर देखा गया और प्रधानमंत्री जी और गवर और अमित शाह दोनों मौजूद थे वहाँ तो मुझे लगता है कि उसी समय से इन लोगों ने सत्ता हासिल करने और सरकार किसी न किसी तरह से बनाने इसलिए मैं सिर्फ येदुरप्पा को दोषी नहीं ठहराता न तो राज्यपाल को ठहराता हूँ केवल राज्यपाल ने तो वही किया जो उनको कहा गया करने को इससे बड़ा आई मीन अफसोसनाक हादसा क्या हो सकता है कि राजभवन में बैठे हुए लोगों को डिक्टेट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग देखिए पहले भी कांग्रेस अपॉइंटमेंट कराती थी राज्यपालों का कई बार वो मानते थे लोगों की बात कई बार नहीं भी मानते थे हमारे पास ऐसे भी उदाहरण हैं सिर्फ घुटना टेकू राज्यपालों का हमने दौर नहीं देखा है हमने ऐसे भी लोगों को देखा है जो रजिस्ट करते थे बहुत सारे फैसलों को लेकिन हाँ उनकी संख्या कम है इस बार जो हुआ है आपने एक बार भी येद्यूरप्पा साहब से ये नहीं कहा जैसा के आर नारायण साहब ने कहा था आ, मुझे अच्छी तरह याद है राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने वाजपेयी से और तमाम और लोगों से भी बात के लोगों से भी कि बताइए कि आपके पास बहुमत है कि नहीं है जब भी बात आती थी लेकिन आपने एक बार भी नहीं पूछा कि एक के अलावा आप कहाँ से लाएंगे वहाँ निर्दलीय नहीं है सिर्फ दो जीते थे आप कहाँ से लाएंगे साहब साफ साफ देखिए उस समय स्थिति बनती है जब निर्दलीय या इंडिपेंडेंट बहुत सारे होते हैं और जो विपक्षी अलायंस है उसके अलावा भी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस हैं यहाँ स्थिति नहीं थी इसलिए शुरू से गलती गलतियों की शुरुआत हुई और भारत के मीडिया ने उसको बहुत ही डिस्टॉर्ट करके दिखाया खासकर मेन स्ट्रीम चैनलों ने एक दूसरी बात ये मैं कहना चाहता था तीसरी बात कि जो बीजेपी का सर्वसत्तावाद है हमारे पास अगर जैसा मैंने कहा था कि यहाँ जन समर्थन नहीं जुटाती है ये पार्टी ये प्रबंधन करती है चुनाव का जन प्रबंधन तो अगर जन प्रबंधन से आपको राहत मैंने उतनी उतनी एक्सपेक्टेड आपको समर्थन नहीं मिला या उतनी वोट नहीं मिले उतनी सीटें नहीं मिली तो आप हर कीमत पर सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं चाहे इसके लिए आप पार्टियां तोड़ दें आप चाहे कुछ भी आप देखिए गोवा का उदाहरण हमारे पास है मणिपुर का उदाहरण हमारे पास है हमारे पास अरुणाचल का भी इसके पहले एक उदाहरण है और और, और अन्य क्षे अन्य कई राज्यों में ऐसा हुआ है हाल के दिनों में तो मेरा ये कहना है बिहार में पूरे जनादेश का अपहरण हुआ है आई I मीन mean, uh, जो पॉलिटिकल पार्टी नीतीश कुमार की बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ी है वो उसको आपने विवश कर दिया कि वो आपके साथ सरकार बनाए तो ये एक तरह का निरंकुश सर्वसत्तावाद है जो हमें इस बार uh, कर्नाटक में दिखाई पड़ा और येद्यूरपा उसके मोहरे थे आपने कहा कि हम uh, हम uh, पार्टी भी डिफरेंस हैं भ्रष्टाचार के खात्मा आपका एजेंडा रहा है 2014 के चुनाव में आपने जिस तरह के चेहरों को उतारा और आई I मीन mean, बेलारी के जो रेड्डी बंधु है, हैं उनके जरिए आपने मैनेज करना चाहा exactly, एक्जैक्टली और आपने उनके जरिए विधायकों को पटाना चाहा लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भी मसिल पावर मनी पावर सबका उसमें भी एक तरह से प्रतिस्पर्धा थी दो तक अब अब आप कल्पना कीजिए थोड़ी देर के लिए जो बिल्कुल स्वच्छता की राजनीति करते हैं जो जन, जन पक्षधरता की राजनीति करते हैं अगर वो इस मुकाबले में होते कांग्रेस की जगह तो वो कैसे सरकार बनाते बिल्कुल सरकार वो नहीं बना पाते स्वच्छ राजनीति के लिए भारत में मौजूदा निजाम ने जगह नहीं छोड़ी है हकीकत ये है जैसे आपने कहा कि एक राज्यपाल ने पूछा तक नहीं कि आपके पास मेजोरिटी है कि नहीं तो ये बात तो स्पष्ट थी कि मेजोरिटी नहीं है तो खरीद फरोख्त की जाएगी न्यूज भी आ रही थी कि सौ करोड़ तक का ऑफर दिया गया हॉर्स ट्रेडिंग की लगातार कोशिश की जा रही थी तो क्या ये जो पूरा प्रोसेस है इसे हम लोकतंत्र की विजय मानेंगे देखिए आ, लोग असल में इतने आज़ीज़ हैं लोग इतने परेशान हैं लोग इतने आ, हताश हैं कि उसमें सब कुछ लगता है कि अरे थोड़ी भी राहत कुछ मिल गई तो लोकतंत्र की विजय है मैं समझता हूँ कि भारत में लोकतंत्र कमज़ोर हो रहा है लोकशाही जो है हमारे देश में वो उसकी जड़ें ही नहीं उसकी उसकी इंस्टीट्यूशंस इन, भी कमज़ोर हो रही हैं मैं सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने को भारत के लोकतंत्र की विजय नहीं मानता इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है कि हमारी विधायिका में किसी चीज़ पर विश्वास नहीं रह गया है स्पीकर जो प्रोटेम बनता है उस पर लोगों को भरोसा नहीं है इस प्रोटेम स्पीकर इस, इस गवर्नर ऐसे व्यक्ति को बनाते हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना ऑब्जेक्शन और रिजर्वेशन जाहिर कर चुका है आज तक वो मामला है अब मेरा ये कहना है कि ऑन रिकॉर्ड है कि वो स्पीकर जब थे उन्होंने उन्हीं देव येद्यूरपा साहब को बहुमत मैनिपुलेट करने का सारा का सारा इंतज़ाम किया था तो इस तरह की स्थितियों को हम लोकतंत्र की विजय कैसे माने हमें लगता है कि एक जुगाड़ तंत्र का दूसरे जुगाड़ तंत्र से जो लड़ाई थी उसमें एक फौरी राहत मिली है और लोकतांत्रिक जो विमर्श है या लोकतांत्रिक जो सोच के लोग हैं उनको भी ये अच्छा लग रहा है कि चलो जो सबसे काली ताकत है लोकतंत्र विरोध की कम से कम उसको शिकस्त मिली लेकिन ये लोकतंत्र की कोई महान विजय इसको नहीं मानता ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण दौर है अपने देश में लोकतंत्र का और उसको बचाने के लिए नए ढंग की कोशिशें होनी चाहिए तो अब जेडीएस और कांग्रेस साथ आ रहे हैं ऑलमोस्ट तय है कि कुमार स्वामी शायद चीफ मिनिस्टर बने क्या ये गठबंधन लंबा चल पाएगा क्योंकि दोनों सिधरमैया और कुमार स्वामी एक दूसरे के मुखर विरोधी रहे हैं इस चुनाव प्रचार में देखिए दिलचस्प बात यह है कि सिद्धारमैया साहब चूँकि जनता दल के ही प्रोडक्ट हैं सोशलिस्ट मोमेंट के आदमी रहे हैं देवगाड़ा साहब ने वंश जो उनका परिवार की राजनीति है उसमें पढ़ करके के इन इनको सिद्धारैया को काफ़ी सताया काफ़ी दरकिनार किया और उसकी वजह से वो बाहर आए और बाहर आकर फिर वो कांग्रेस की राजनीति में शामिल हुए और उन पर राहुल गांधी ने भरोसा किया और राहुल गांधी उनको काफ़ी प्रोजेक्ट कर रहे थे ये बात सही है कि उन्होंने कुछ अच्छे भी काम किए हैं कर्नाटक की राजनीति में खासकर दलित पिछड़े वर्गों में इंपॉवरमेंट और बहुत उनकी उनके कल्याण की स्कीम्स कुछ लाई हैं ये सही है लेकिन जहाँ तक कॉन्ट्रडिक्शन का सवाल है दोनों दलों में भारी कॉन्ट्रडिक्शन एक तरफ सीधरमैया बनाम देवगौड़ा दूसरी तरफ़ दिनेश कुंडूराव का आज ही एक बयान आया देखा मैंने वो वो कह रहे हैं कि दोनों के दोनों धाराओं और दोनों दलों के बीच में आई मीन कॉन्ट्रडिक्शन है और दोनों एक दूसरे के विरोधी रहे हैं तो ये सब चीज़ें आ रही हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला ये गठबंधन अभी इतना जल्दी निराश नहीं करेगा लोगों को उसकी वजह है उसकी वजह 2019 का लोकसभा चुनाव है और मैं समझता हूँ देवगाड़ा को ये बात समझ में आ गई है कि उनकी परिवार या उनकी जो राजनीति है उनके जो उनका जो सामाजिक आधार है उसके लिए भी ये ज़रूरी है कि एक ब्रॉडर अलायंस इमर्ज करे और ममता बनर्जी से भी उनकी बात चली है बहुत सारे और लोगों से भी बात चल रही है अभी इस बीच में ममता बनर्जी ने एक छेड़ दिया कि रीजनल फ्रंट की यह विजय है जबकि ऐसा कोई फ्रंट बना नहीं है और सही बात तो यह है कि इस देश में रीजनल फ्रंट की जो न ज़रूरत है न, न, न दो चार क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन की ज़रूरत है इस समय जो ज़रूरत है देश को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक गठबंधन की और ऐसा सेकुलर डेमोक्रेटिक गठबंधन जो भाजपा के और आरएसएस के सिर्फ राजनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी जो खतरा इस देश के सामने है उसको एक गंभीर सबल और एक साझा चुनौती दे सके तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो आपका सवाल है कि ये सरकार ठीक से चलेगी 2019 में जो विपक्ष की एक बड़ी लामबंदी का मौका दिख रहा है उसमें इसका एक अहम रोल होगा इमीडिएट जो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव हैं उसमें कांग्रेस चाहेगी कि ये इसका टेम्पो बना रहे और कांग्रेस को ये बात इस चुनाव से भी समझ में आ गई है कि एक ब्रॉडर सेकुलर डेमोक्रेटिक अलायंस इन गिवन सिचुएशन चाहे सेकुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेज जैसी भी हों वो सुसंगत हों या कम सुसंगत हों या विकसित हों या विकसित न हों उनके अपने अंतविरोध भी हो सकते हैं लेकिन इन सबको जो गैर भाजपा खेमा है उसको लेकर चलना होगा तभी वो इन तीन राज्यों में भी अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ सकेंगे उर्मिलेश जी आखिरी सवाल होगा कि मीडिया का जो योगदान रहा है पिछले कई सालों में और मीडिया की जो स्थिति है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है मीडिया चैनल्स ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो बीजेपी के माउथ पीस हैं जनता के नहीं मतलब लोग पूछते हैं कि भाजपा से आपकी मेजोरिटी होगी कि नहीं राम माधव कहते हैं कि हमारे पास अमित शाह हैं और एंकर्स हंसते हैं एक तरीके से उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं और आज अगर मीडिया को देखा जाए तो एकदम मुर्दा शांति छाई हुई है आखिर हमारे देश का जो ये मीडिया है वो किस तरफ बढ़ रहा है क्योंकि 2019 को देखा जाए या 2014 से कंपेयर किया जाए तो मीडिया का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है भाजपा को विजयी बनाने में एक उन्होंने जो प्रोफोगेंडा सेट किया है क्या 2019 के लिए भी कुछ ऐसा होगा देखिए ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम चैनल अगर हैं अपने देश के मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ वो मैं पहले भी कह चुका हूँ आपके हम अपने इस कार्यक्रम में कि उनके पास सूचना या ज्ञान या लोगों को आ, क्या देश में हो रहा है समाज में क्या हो रहा है क्या बड़े इश्यूज हैं जनता के इनसे कोई मतलब नहीं है सूचना और ज्ञान देने के लिए वो नहीं है न तो वो इस बात को लेकर चिंतित हैं या इस बात को लेकर कोई उनका सरोकार है कि समाज के बड़े सवाल क्या हैं उनका यह है कि कैसे मुनाफा कमाया जाए और दूसरा यह है कि कैसे पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं बॉसिस के और बॉसिस जो चाहते हैं उसको कैसे हम सर्व करें और इतना अज्ञान का माहौल है न्यूज़ रूम्स में खासकर चैनलों के कुछ भी नहीं जानते लोग और न तो रुचि है क्योंकि संपादक नाम की संस्था ख़त्म हो गई है दरअसल बात यह है प्राइवेट चैनलों का हाल अगर देखें तो संपादक नाम की संस्था नहीं है अगर संपादक थोड़े बहुत बचे हैं तो वो प्रिंट में ही हैं और वो वहाँ भी कितनी कमज़ोर स्थिति है आप सब जानते हैं हिंदी के अखबारों में जर्नलिज़्म जो है लगभग मृत प्राय है तो अभी जो इस शासन में हमने देखा है कि जो आप नाम लिए नेताओं का उनका महिमा मंडन है वो उनका अतीत क्या है उनकी मनोवृत्ति किस तरह की है उनके खिलाफ़ क्या क्या मामले हैं इस पर कोई तवज्जो नहीं आपने देखा कि जब एक दवायर में स्टोरी आई भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे को लेकर उसका फॉलोअप तक नहीं किया गया लेकिन जय जै, जज लोया की रहस्यमय ढंग से मौत की जब खबर हुई तो देश का अच्छा समझे जाने वाला अंग्रेजी अखबार उसका फॉलोअप करता है और वो भी उल्टी दिशा में जाकर फॉलोअप करता है तो हमारा ये कहना है कि अजीब ये हालात है भारत के मीडिया का और अमरथ सेन जैसा आ, आ, महान आ, मैं तो उनको आ, सामाजिक अर्थशास्त्री कहता हूँ उस तरह का व्यक्ति भी गहरी चिंता भारत के मीडिया पर जता चुके हैं और उन्होंने भारत के मीडिया के इस रोल को लेकर गहरा अफसोस जाहिर किया और ये बताया कि भाई भारत में डेमोक्रेसी अगर कमज़ोर हो रही है या कमज़ोर होती है तो उसमें मीडिया का इंक्लूसिव न होना और मीडिया का सूचना और ज्ञान के क्षेत्र में अपने को बिल्कुल उससे अलग कर लेना ये एक महत्वपूर्ण वजह है और उनकी बहुत सारी किताबों में बहुत सारे उनके लेखों में इस बात की भी चर्चा है कि कैसे सूचना के जरिए हम अकाल जैसी चीज़ों को भी रोक सकते हैं और रोका गया है लेकिन अभी की जो हालत है जो राजनीतिक एक हाहाकार मचा है इस देश में सामाजिक स्तर पर जो हाहाकार मचा है उसमें मीडिया हस्तक्षेप नहीं कर रहा है तो ये एक गंभीर घटना है जो मीडिया के प्रसंग में मुझे कहनी थी अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिलेश और अगले हफ्ते इस शो में हम एक नए मुद्दे को फिर से उठाएंगे धन्यवाद न्यूज क्लिक देखने के लिए धन्यवाद